हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स कॉलर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए, पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान्स की कैटेगरी में आते हैं, दोनों प्लानिंग की कैटेगरी में आते हैं। पॉलिसीज के लिए हम ये कह सकते हैं कि पॉलिसीज जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक जनरल रिस्पॉन्स टू है पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। पॉलिसीज में ऑर्गेनाइजेशन, देखिए पॉलिसीज हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से बनाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी से डिफर करती है और पॉलिसी को कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का अपना जनरल तरीका या जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेनिटीज या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है ये पॉलिसीज बताता है। सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम इज कॉल्ड पॉलिसीज। ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स आर द सिंगल एक्टिविटीज, इज द सिंगल एक्टिविटी, और ये न्यूमेरिकल टर्म्स में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो आइए जो बेसिक डिफरेंस है उसको जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज में बोला गया पॉलिसीज आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे टू ऑफ सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का तरीका होता है किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स आर एंड रिजल्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक एंड रिजल्ट है जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को डायरेक्ट किया जाता है। पॉलिसीज के बारे में सेकंड पॉइंट कहा गया है कि पॉलिसीज डिस्क्राइब हाउ द वर्क इज टू बी डन। किसी भी काम को करने के लिए क्या तरीका होगा, क्या आप तरीका यूज करेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे, पॉलिसी आपको डिस्क्राइब करता है, बताता है, सिखाता है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन। ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि करना क्या है, पॉलिसीज बताता है कि वो काम कैसे करना है। थर्ड पॉइंट इज पॉलिसीज में बोला गया है कि पॉलिसीज एक्सप्लेन द मोड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। पॉलिसीज आपको मेथड बताता है, मोड बताता है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स ऑफ प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव्स जो है वो प्लानिंग का एंड पॉइंट है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, और उस ऑब्जेक्टिव को जब आप अचीव करना शुरू कर देते हैं तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल या मिशन जो होता है अचीव हो जाता है। और लास्ट पॉइंट कहा गया पॉलिसीज में कि पॉलिसीज आर फ्रेम्ड बाय टॉप मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। जो पॉलिसीज है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट भी बनाता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी बनाता है, और लोअर लेवल मैनेजर्स भी बनाते हैं। आपको मालूम होगा मैनेजमेंट की हायरार्की होती है, टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स और लोअर लेवल मैनेजर्स। तो ये जो पॉलिसीज होती है टॉप लेवल भी बनाता है, मिडिल लेवल भी बनाता है, लोअर लेवल भी बनाता है, लोअर लेवल के नीचे वर्कर्स काम करते हैं। तो ये जो लेवल ऑफ मैनेजमेंट है ये पॉलिसीज बना रहे हैं। और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स जनरली टॉप लेवल मैनेजर्स बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब टॉप लेवल पॉलिसीज भी बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी बना रहे हैं, लेकिन मिडिल लेवल और लोअर लेवल पॉलिसीज बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स नहीं बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय टॉप लेवल मैनेजर्स ओनली। तो ये था छोटा सा वीडियो जिसमें हम पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिफरेंस पढ़ रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।